दोस्तों, शाहरुख खान और धूम 4 को लेकर यशराज के मालिक आदित्य चोपड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। फिलहाल शाहरुख खान का नाम धूम 4 से जोड़ा जा रहा है। वही बायारिफ आदित्य चोपड़ा इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि अभी धूम 4 को लेकर अभी काम चल रहा है और शाहरुख खान जब इस फिल्म की शूटिंग बल्कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धूम 4 को शाहरुख ने साइन कर लिया है और इस वजह से ये खबर हर तरफ चल रही। दूसरी तरफ शाहरुख खान पठान पार्ट 2 की शूटिंग करने वाले हैं और जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि किंग खान अपने बाल लंबे रखते हैं। इस साल शाहरुख अपनी फिल्मों को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों, शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे, अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो 3 बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा 3 बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद एटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन SR के किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी। शाहरुख हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं।